हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? अब हम सो के उठ गए हैं, देख सकते हैं। अभी जस्ट हमने सो के उठे हैं, बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। मेरे तुलसी जी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तुलसी जी का दर्शन करते हैं। टच नहीं करना है, तुलसी जी का दर्शन करते हैं, फिर बेलपत्र का दर्शन करते हैं, देख सकते हैं सबका। फिर सूर्य को नमस्कार करते हैं, फिर उसके बाद अन्य काम करते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे। आज का बहुत ठंडा मौसम है। अभी सब हमारे घर में देख सकते हैं, सब सो गया हुआ है, सब सो गया हुआ है, सब सो गया है, सब सो गया है। हमें बस उठे हैं, भगवान का बर्तन वर्तन ले गए हैं, अब चलने साफ सुथरा करेंगे, अब नहाएंगे धोएंगे बर्तन धुलेंगे। बाय, टेक केयर। हाय गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे। हम नहा चुके हैं, नहावा के अब तैयार हो गए, अब जा रहे हैं पूजा करेंगे। आज हमने कंघी कर लिए हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। चलते हैं, पहले पादी जी को चाय बनाते हैं। आंटी जी, गुड मॉर्निंग। आंटी जी, राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं आप? ठीक हैं? फिर आंटी जी हैं तो क्या हो गया? कब? तभी तो याद मैं करूंगी ना, मैं देखूंगी आपको। कल बागेश्वर धाम गई है कि नहीं? कभी नहीं गई है ना। चलिए, हम आपको ना ले चलेंगे जब जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल ना। एक दिन हम आगे आपको बता देंगे, वो फ्री हो जाएंगे, आप ही फ्री हो जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए गाइस को, थोड़ा सा। राधे राधे कहिए। राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे, राधे राधे बोलिए। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो आप? अरे हमारी आंटी जी अच्छी, और अच्छी ना, दिल अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये सब मत सोचा करिए, मैं आपको रोज बोलती हूँ। अब चले सबके लिए फोटो बनती है, सबकी नहीं बनाए। अरे अरे, देखे क्या बोली आंटी जी कि सकल सूरत वालों की क्या फोटो बन, ऐसे आदमी की नहीं, ऐसे आदमी की नहीं बनती है। अरे भगवान, ऐसे ना बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलिए बैठ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे और बुरे, दिल से अच्छा होता है इंसान। ऐसे नहीं होता है कि सकल और सूरत ना, सकल सूरत नहीं होता। अगर सकल सूरत, हाँ ये तो बात सही है कि लोग, बहुत लोग सकल सूरत देख के कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिल देखना चाहिए, इंसान को देखना नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। सॉरी, माफ़ करना, सब अच्छे हैं मेरे गाइस लोग, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। उनको मैं अपने दिल से हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी लोगों के लिए दुआ करती हूँ अपने भगवान भोलेनाथ से कि आप लोग सारी तमन्ना पूरा करें मेरे भोलेनाथ। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से। पहले पादी जी को चाय बना लेते हैं, फिर उसके बाद चाय बनाने के बाद अरे देखो इंटीरियर बेचारी कितनी खुश है। क्या बनाते हैं आंटी जी? क्या उपाध्याय करिए? उपाध्याय जी, मोबाइल वाइल मत दिया करो, नहीं तो बहुत वीडियो देख लो मेरी आंटी जी। क्या बोलूँ, नहीं नहीं, मैं उपाध्याय जी को छोड़ के मैं नहीं कहीं भागूंगी। मैं उपाध्याय जी को छोड़ के नहीं भागूंगी। आप भाग जाता नहीं भागेंगे ना, नहीं भागेंगे। अब कहाँ बुढ़ापा में, अब कहाँ जाएंगे लड़के? बड़े बड़े हो गए, शादी लायक हो गए लड़के, 20-21 साल के लड़के, अब कहाँ जाएंगे बताइए। और मैं अपने आंटी जी को छोड़ के बताइए। हमारी आंटी जी, ठीक है गाइस, चलते हैं चाय बनाते हैं। आंटी जी को भी चाय देते हैं, सबको देते हैं। कोई बात बुरी लगी हो सॉरी, माफ़ करना आपको।
ठीक है। मेरी आंटी जी बहुत अच्छी हैं, कभी सही बात कभी मैंने किसी का दिल देखना चाहिए, सुंदरता नहीं काम में आता, दिल काम में आता है, ये तो मैं समझती हूँ। आप लोग से अच्छा कौन समझेगा, आप लोग से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, हम भी नहीं समझ सकते। राधे राधे। उपाध्याय जी दूध तो खत्म हो गया है, ब्लैक चाय बना दे, ब्लैक चाय। चल ठीक है, ब्लैक चाय, दूध खत्म हो गया, दूध नहीं, अब दूध आएगा तो बनाएंगे। चलते हैं, पहले बर्तन को शिफ्ट कर देते हैं स्टैंड में, फिर इसके बाद चाय बनाते हैं ब्लैक, तब तक दूध भी आ जाएगा। जब हमको तो लग रहा है जब तक बर्तन शिफ्ट करेंगे तब तक दूध भी आ जाएगा। हाँ तो बागेश्वर धाम, आपको बागेश्वर धाम से मिलने जाना है कि दर्शन करने है? आपको बागेश्वर धाम से मिलने जाना कि दर्शन करने है? दर्शन करो ना। हाँ तो अपने भाग में बागेश्वर धाम मिलेंगे कि नहीं? हाँ दर्शन न मिले तो कोई बात नहीं आंटी जी, हनुमान जी का दर्शन मिल जाएगा ना वहाँ बागेश्वर धाम जो है ना, उनके दर्शन मिल गया तो बहुत है। हाँ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बागेश्वर धाम से ही मिलिए, उनसे मतलब गुरु जी से। हाँ 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 मिल जाएंगे। और आज जब सुनिए, अगर आप जाते रहेंगे ना तो कभी भी ऐसा भी हो सकता जब मिलना होगा तो वो मिल जाएंगे। हम ही हम चार बार जा चुके हैं, सुनिए हम चार बार जा चुके हैं, अभी तक मिले नहीं हैं। नहीं मिले, पाँच बार बार हम कभी भी जाते हैं ना तो वो बाहर बाहर रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन तो हाँ, जमीन के अर्जी लगा दीजिए आप जाते और दर्शन कर लीजिए, ठीक है? हाँ नहीं रहा था, हाँ नहीं रहते हैं, नहीं रहते कोई बात नहीं है ना, हम बागेश्वर के स्थान, हाँ हम उनके तो दर्शन कर लेते हैं ना, क्या बजरंग बली के अर्जी लगा दीजिए, कभी भगवान करेंगे तो अर्जी स्वीकार होगी तो खुद ही मिलेंगे, ठीक है? हाँ चलिएगा। गई थी, अच्छा नाती नापी गई थी, 12 बजे रात के मिले थे। अच्छा रात रुकी रही है, रात रुकी रही है, 12 बजे रात को मिले थे। हाँ 12 बजे रात के मिले थे हमारी बड़ी नाते। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन कौन बागेश्वर धाम गया है जरूर आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में लिखिएगा, प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए प्लीज प्लीज, आप लोग के चरणों में मेरा कोटी कोटी प्रणाम, जरूर आप लोग लिखिएगा हर हर महादेव। गाइस उनसे भी बात कर लेते हैं आंटी जी को, उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है, उनका लड़का थोड़ा सा ड्रिंक उन्क लेता है तो बहुत परेशान रहती हैं बेचारी, तो इसलिए थोड़ा सा उनका भी देख, आप जानते ही हो ऐसे जब रहते हैं लोग तो फोटो वोटो लो तो खुश हो जाते हैं ना, तो इसीलिए उनसे बात शेयर करते हैं, बातें कर लेते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। दूध वाले आ गए, अब चलते हैं दूध ले लेते हैं, बोले हैं ना कि दूध वाला आ जाएगा। गाय गाय देख सकते हैं जा रहे हैं दूध लेने, गाय दूध लेकर आ गए हम। गाय चलते हैं प्रदेश से पूछते हैं क्या खाएंगे, वो क्या खाओगे तभी वे मैगी बना दे। उपाध्याय जी बोल रहे मैगी बना दो, नाश्ता में मैगी बनाते फिर कुछ खाना बनाते हैं, निकाल लिए मैगी और मैगी बनाने जा रहे हैं। हाय गाइस आप देख सकते हैं मैं मैगी बना रहे हैं, आपसे बोला था मैंने मैगी, देखिए मैगी मैगी हम अलग तरीके से, देखो कितना सारा भेजे टमाटर वमाटर सब डाल के डालें उपाध्याय जी को, देख सकते हैं ठीक है। फिर ये देखिए मैगी को मैंने एकदम चूरमा बना दिया, अब मेन बात है कि जो चबाते तो नहीं है बहुत लोग ऐसे घुट जाते हैं, देखिए मैं बारीक नुकसान ना करें, देखिए मैं ऐसे करके बनाती हूँ, कितना बारीक कर दिए हमने ऐसे करके, हम जब भी मैगी बनाते हैं ना तो हम ऐसे ही बनाते हैं, और प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे वो करके कोई वो करें नुकसान करेगा, सही है कि नहीं है? देख सकते बना दिए, देख सकते हैं कितना टमाटर हम डालें नुकसान भी ना करें, बिल्कुल ऐसे ही बना के देना चाहिए, नुकसान करता है आजकल जानते हैं ये आदमी, स्वाद तो लेता है लेकिन अपने सेहत का ध्यान नहीं देता स्वाद के आगे, भैया हम औरतों को ही तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि स्वाद के साथ साथ क्या बोलते प्रोटीन भी रहे, इसलिए देख सकते हैं मैगी हमारा। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। देख सकते हैं मैगी बन के तैयार हुई,
देख सकते हैं ग्रेवी वाला मैगी है, बिल्कुल खाने में भी टेस्टी लगता है और सेहत के लिए भी लाभदायक है। उपाध्याय जी को ले चल के देते हैं, बच्चे सोए हैं तो इसलिए एक ही बनाए हैं और हम मैगी वैगी नहीं खाते वाते हैं। खा के देखिए टेस्ट, सब सोए हैं बच्चे, बच्चे सोया, सब सोए हैं, सब उठते सब लेट में है ना, इसलिए सब सोए रहते। मम्मी आपका खाना बन गया अभी तक? नहीं बेटा अभी नहीं बना है खाना वाना। जल्दी बना दो, टाइम हो गया है। आपको उठते कहाँ, आवाज ही तो उठे हो, बना रहे हैं। तो क्या आलू गोभी सब्जी खा लोगे? हाँ आलू गोभी सब्जी खा लोगे? आलू गोभी खा लूंगा, नहीं लग रही है। कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो, खा लूंगा। आलू गोभी सब्जी और परवल की भुजिया बना है, ठीक है। तो हम लोग नहा लो जल्दी से नहा, और बत मालूम टाइम कितना हो गया है? ठीक है जा रहा हूँ। पेट में दर्द है ना बेटा, इसीलिए नहीं आज मन नहीं कर रहा है। ठीक, आज कब से उठ उठ के तब से आलू तो बॉयल कर ही लिए है। पापा को नाश्ता बना, मैगी पापा को मैगी बना के दे दिए, उठ गए होते तो आपको अभी उठ रहे हो। क्या बना रही हो आप? बना रहे बेटा सब्जी, बना रहे आलू गोभी के, देखो मसाला आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, तो इसलिए कल भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ बेटा ये टमाटर देखो, अब ये मसाला भी टमाटर सब भून देंगे। आलू गोभी की सब्जी, चावल और रोटी, ठीक है। हो गया क्या मम्मी सब्जी? हाँ सब्जी हो गया देखो, ठीक है। हम्म, बढ़िया है ना, अभी तो पकेगा। राइस बना दिया आपने? हाँ राइस बन गया, देख सकते हैं, देखो कलर अच्छा है, ठीक है ना, टेस्टी है। हाँ खा लेना अच्छे से मन से, और रोटी बना दे, सब्जी हो ही गया, अभी तो पकेगा, गर्म पानी करके डाले, ठीक है। हाँ बन गया, भैया को दे दे, गाय का है ना, ये भैया को दे दे। बारिश भी हो रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, चलो आप भी खा लो, ठीक है। ठीक है गाइस, ये मैंने मैगी बनाई थी अपने भाई के लिए और उसको दे दिया मैंने, ये मेरी मैगी है फुल वेजिटेबल से लोडेड। मम्मी टेस्टी लग रही है मैगी? बहुत टेस्टी बेटा, अब आपने बनाया तो अच्छा नहीं लगेगा, ये कढ़ाई देख के बहुत गंदी बन गया। ठीक है समय था लो, तो आपने बनाया तो अच्छा बनाइएगा, आप वेजिटेबल डाल के बनाते हैं, हम सिंपल बनाते हैं। नहीं कहाँ पूजा ही, बहुत पहले का ये पहले का है। आप भी पूजा है? नहीं नहीं पहले का वो है, घर के लिए पूजा था, आपको चाहिए तो ठीक है ना, फिर आप बोलिए। हाँ ये वाला चाहिए, आइए जैसा आप जैसे उछलवाए, कोई बात नहीं। हाँ तो आप आज गाइस हम लोग भुट्टा खा ले आए, देख सकते हैं आप, देखिए ये स्वीट, सॉरी ये देसी और ये विदेशी, मतलब ये स्वीट कॉर्न है और ये क्या बोलते हैं देसी वाला है, जो मीठा मीठा लगता है, जो आप लोग पिज्जा में डालते हैं वो यूज करते हैं आप, ये पिज्जा में जी। हाँ ये नमकीन वाला है। मम्मी कैसा लग रहा है भुट्टा? टेस्टी है ना? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, बट अभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट अभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, स्वीट कॉर्न है ये, लेकिन मीठा लग रहा है ना। हाय गाइस, अब सारा काम हो लिए, चाय बना दिए उपाध्याय जी को, चाय बना उना के दे दिए, बर्तन भी धुल लिए, अब चलते हैं, अब नहाएंगे, नहाने के बाद खाना नहीं खाए थे तो अभी का खाना खा रहे हैं, खा चुके वो खाना,
यहाँ पे बच्चे गेम खेलने, इन लोगों कोई काम ही नहीं है सिर्फ गेम खेलने के अलावा, सिर्फ गेम खेलते हैं बस, पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ करना है कि कुछ भी कर लें, उठेगा तो बैट भाजेगा, बस बैट भाजने के अलावा कुछ नहीं देंगे, गेम खेल लेगा बस। ठीक है, क्यों पढ़ना लिखना नहीं है क्या तुमको? हैं, पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ाई काम में आएगी। देख लिए गाइस, अब एक लड़का गेम खेल रहा है, नहीं गेम नहीं खेला, वो क्रिकेट का कुछ दे